Saloni, the winners, winners. Winners. ठीक है ना भाई? इसके बारे में कुछ नहीं पूछना, सिर्फ निजी सवाल पूछना। लेकिन स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं। जो मुद्दा है वो कोई मैं मुद्दे आज के मुद्दे के बारे में बात करूंगा जो यहाँ हुआ। तो निजी सवाल ये रहेगा सर कि क्या वो खास बात आपका बस जस्ट गो बैक कलाकार या कंटेस्टेंट वेट 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 वन सेकंड कम 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 लेट द लेडी कम इन द सेंटर ओवर हियर कम 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 वन ऑफ द बॉयज गो देयर वन ऑफ द बॉयज गो दैट साइड एंड यू स्टैंड नेक्स्ट टू द बॉयज दैट साइड क्या करूंगा आप कितना पकड़ गए रे एक आदमी कितना रे रोलिंग या आई थिंक इस बस स्पेशल इवेंट की सबसे बड़ी खासियत मैक्स इमर्जिंग स्टार 2017 की सबसे बड़ी खासियत जो ये है ये हिंदुस्तान के हार्ट से शुरू होता है छोटे छोटे शहरों से शुरू होता है मैं खुद एक छोटे शहर से आया हूँ शिमला से और आज इस नगरी ने मुझे बहुत दिया है इस देश ने मुझे बहुत दिया है तो हिंदुस्तान का जो असली टैलेंट है वो बड़े शहरों में तो है ही है मगर जो उभर कर आ रहा है अलग अलग फील्ड्स में चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे टैलेंट में हो एक्टिंग में हो या बाकी जरा तो वो इसकी सबसे बड़ी खासियत है और आज जो हमारे विनर्स हैं वो अलग लखनऊ से हैं विशाखापट्टनम से हैं वडोदरा से हैं ये हमारे देश का फ्यूचर है ये इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है और मुंबई नगरी जो है ये बहुत बड़े दिल वाली है ये जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनके सबके सपने पूरे करती है एक मौका तो ज़रूर देती है सो आई कंग्रेचुलेट मार्क आई कंग्रेचुलेट बसंत सर ऑफ मैक्स एंड द विनर्स फॉर नाउ द जर्नी स्टार्ट्स सर मेरे हिसाब से देयर इज नो अल्टरनेट टू ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क दैट्स इट यस सर आपका वेल आज का जैसे अनुपम सर ने सही फरमाया कि जो असली टैलेंट होता है वो छोटे छोटे शहरों में भी होता है एंड उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं जो मुंबई के रहने वाले हैं जो मुंबई के रहने वाले उनके लिए आसान पड़ जाता है क्योंकि वो उनकी फैमिलीज यहाँ पर सपोर्ट करते हैं लेकिन जो छोटे शहरों से हैं उनको यू नो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है एक ज़रिया मिल जाता है ऐसे ऐसे यू नो इंडस्ट्री से जुड़ने का ताकि वो भी अपना कहीं पे एक यू नो एक मोड़ बना सकते हैं एक रास्ता बना सकते हैं और यही है उनका एक प्लेटफॉर्म है यही एक ज़रिया है सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू नो यंग टैलेंट टू यू नो बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ मैक्स यू नो इमर्जिंग स्टार 2017 थैंक्स टू वसंत सर एंड थैंक्स टू मार्क हु आर कमिंग टुगेदर टू काइंड ऑफ फाइंड टैलेंट लाइक दिस और इससे बड़ा यू नो प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ गिविंग एब्सोल्युटली पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री आजकल ये यू नो रीत चल रही है कि सभी जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको तो मौका मिलेगा ही ऑफकोर्स एंड दे शुड वाई नॉट वो उनके जेनेटिक्स में है लेकिन कई ऐसे लोग जो है जो जब उन्होंने शुरुआत किया या उनकी भी फादर्स या ग्रैंडफादर जब उन्होंने शुरुआत किया देवर नो बॉडी एंड दे डिडंट हैव एनी ग्रैंडफादर सो समवेयर एवरीबॉडी स्टार्ट्स विदाउट एनी बॉडी एंड गोज अहेड और दिस प्लेटफॉर्म विल अलाउ देम टू टेक दैट वन स्टेप अहेड मेरा ये 25th मई 1984 को मेरी फिल्म सारांश रिलीज़ हुई थी उस ज़माने में जब 82, 83, 84 में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और शक्ल ऐसी थी कि आधे बाल यहाँ से जड़ रहे थे आधे यहाँ से निकल रहे थे पतला सा था मैं और कोई टैलेंट कॉन्टेस्ट नहीं था कोई टेरेंस लुइस नहीं थे जो ढूंढ गए अरे भाई आप कहाँ थे आज तक कोई ऐसा मैक्स इमर्जिंग स्टार नहीं था तो अब तो एवेन्यूज़ ही नहीं एवेन्यूज़ हैं अब अगर आप कामयाब नहीं होते तो गलती आपकी है नहीं हटके कोई सवाल नहीं है हटके वो हट गए सर यहाँ पे यस सर नमस्कार थैंक यू वेरी मच कम हियर विनर्स कम वन सेकंड कहाँ तुम लेके भाग गए नहीं मिल गए
This is the third year we are doing Max Emerging Star. Every year we see more and more participation. The real talent comes from the small cities. We could see energy. This time more than 5,000 participants were there, and amongst them we chose the best 4 boys and 4 girls, and today we have had a grand finale where all the 8 people were on the ramp. We chose the best boys and girls, and today here we are with the winners. This gives them a good platform, Mr. Anupam Kher, through the Actor Prepares, and Terence Lewis through the dance studio. They will be getting trained in both dancing as well as acting. I'm sure this will help them to further their careers either in Bollywood or in their own states. And very soon they'll become the actual star, from an emerging star to become an actual star. And Max is very proud to give them platform to leapfrog their careers into the acting or dancing or into the Bollywood industry. Congratulations, guys. Congratulations. We were in the evening, we were so much confused and so much like, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे और सब सोच रहे थे कौन जीतेगा लेकिन नाउ वी आर सो हैप्पी दैट वी वॉन एंड इट्स रियली अ ग्रेट स्टार्ट फॉर अस एंड आई होप कि हम लोग आगे बहुत अच्छा हम लोग करने वाले हैं No, he's very cool, I think. He's very cool, I think. Generally, you're very nervous on the stage when you're performing, but when you have mentors like him, you know how to behave, you know how to do everything, and it cools your nervousness. What will be the next new target? Next new target, as sir said, Anupam sir and Terence sir, joining the institute, doing the hard work, and just practicing more and more and trying to become a star, trying to find a place in Mumbai, in the Bollywood. मुझे पता है कि ये जो talent जो है इन लोगों, इन तीन लोगों में, that with hard work and perseverance, they can achieve something in Bollywood. If not Bollywood, definitely the television industry, which is as big in India. Because they are very talented. I have seen them perform in their towns, acting wise and in the way they look. They're extremely talented, and she also has a bright future, because apart from being beautiful, she can also act. So with the proper guidance and a credible platform that Max provides, I think they're on the right track, being trained and groomed by Anupam Kher and Terence Lewis, and the support of Max that they will always have. And hopefully when they become stars, they'll always come back to Max and thank Max. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you.